Good morning, class. Uh, I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indra Gandhi Institute of Paramedical Sciences. And as we all know that we are studying about gastrointestinal tract and uh, the processes which take place in gastrointestinal tract. We are going through uh, with metabolism. So we have completed metabolism and carbohydrates metabolism. So today we will study about uh, fat metabolism. तो फ़ैट मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ़ फ़ैट सेल्स मतलब इसका मतलब है कि जो भी हम फैट uh, मटेरियल uh, खाते हैं मतलब जो भी हम खा रहे हैं जिसमें फ़ैटी एसिड्स हैं या फैट uh, का कंटेंट है वो हमारी बॉडी में जाता है उसका सिंथेसिस होता है और उसका डिग्रेडेशन होता है और फिर हमारी बॉडी के सेल्स में वो स्टोर हो जाता है इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फैट मेटाबॉलिज्म तो फ़ैट्स को जब हम तोड़ते हैं अगर फैट का हम मेटाबॉलिज्म देखें तो फ़ैट सबसे पहले बड़े यूनिट्स में होते हैं जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं फिर वो डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद वो मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं और वहाँ से वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फैटी एसिड के थ्रू वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं अगर फ़ैट कैटाबॉलिज्म की बात करें तो बिफोर ट्राइग्लिसराइड कैन बी मेटाबोलाइज एज एन एनर्जी सोर्स दे मस्ट स्प्लिट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिस्ट्रॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोलिसिस मतलब जो ट्राईग्लिसड uh, है वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली स्टोर नहीं हो सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स यूनिट है उसको छोटे यूनिट में पहले कन्वर्ट किया जाता है और फैटी एसिड में बनाया जाता है और फैटी एसिड मतलब ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में तोड़ने को लाइपोलिस बोला जाता है लाइपो मतलब होता है फैट और लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन तो फैट का ब्रेकडाउन मतलब फैट के कॉम्प्लेक्स मटेरियल का ब्रेक ब्रेकडाउन स्मॉल यूनिट्स में लाइपोलिसिस कहलाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट एनाबॉलिज्म की तो लिवर सेल एंड एडिपो सेल कैन सिंथेसिस लिपिड फ्रॉम अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस मैंने पहले भी आपको बताया है कि कहीं पे भी अगर वर्ड लिसिज आ रहा है तो उसका मतलब है टूटना और कहीं पे भी वर्ड अगर जेनेसिस आ रहा है तो जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बनना और लाइपो या लिपो का मतलब है फैट तो फ़ैट एनाबोलिज़्म में लिवर सेल और एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो लिपिड यानी कि फ़ैट प्रोड्यूस कर सकते हैं अमाइनो एसिड और ग्लूकोज से तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लिपोजेनेसिस इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हम कुछ भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं फिर वो हमारी बॉडी में डाइजेशन एब्जॉपशन के लिए जाता है स्टमक में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में और फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू हमारे लिवर में जहाँ पर वो हिपैटिक सेल्स में आ, स्टोर हो जाता है जाकर नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इंटू अमाइनो एसिड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड दे मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू वेरियस सब्सटेंसेज इन विच सम एंटर इन टू क्रेपसाइकिल वेन द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी इसका मतलब है कि जो प्रोटीन्स होते हैं आ, ये इनको जब तोड़ा जाता है तो ये अपने स्मॉल यूनिट्स में बनते हैं और इनके स्मॉल यूनिट्स को बोला जाता है अमाइनो एसिड्स तो जब अमाइनो एसिड बनते हैं उससे पहले भी प्रोटीन के टूटने पर कई सारी चीज़ें बनती हैं और प्रोटीन के टूटने पर लास्ट सब्सटेंस जो बनता है वो होता है अमाइनो एसिड जो कि क्रैप साइकिल में जाता है और उसी के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है अमाइनो एसिड चेंजेस इनटू अमोनिया विच इज़ एन कन्वर्टेड इनटू यूरिया जो अमाइनो एसिड है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है और फिर आ, यूरिया में कन्वर्ट होता है जिसमें से आ, यूरिया को हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है हमारी बॉडी से देन प्रोटीन एनाबोलिज्म की अगर बात करें तो प्रोटीन इज सिंथिसज इन द राइबोसोम्स ऑफ सेल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो एनाबोलिज्म प्रोसेस है क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ बन रही है कोई नई चीज़ जनरेट हो रही है इसलिए उस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथिस uh, या सिंथेसिस प्रोसेस भी बोला बोलते हैं इसीलिए प्रोटीन एनाबोलिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि प्रोटीन कहाँ से जनरेट हो रहा है या प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है तो प्रोटीन का सिंथेसिस हमारी बॉडी के राइबोसोम्स में होता है सेल के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उससे होता है इसलिए हम इसको प्रोटीन एनाबोलिज्म बोलते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमने कुछ भी प्रोटीन कंटेंट खाया वो हमारे पेट में आया जहाँ पर उस पर पे पेप्सिन और एच ने वर्क किया और जब उसने पेप्सिन और एच ने वर्क किया तो प्रोटीन ब्रेकडाउन हो गया में पॉलीपेप्टाइड्स और ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गए छोटे यूनिट में जिसको हम ऑलिगोपैप्टाइट्स बोलते हैं और जब पॉलीपेप्टाइड्स था तो पॉलीपेप्टाइड्स पे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सी ए कॉमा बी मतलब दो तरह के कार्बो कार्बोक्सी हैं कार्बो ऑक्सी एंड कार्बोक्सी बी तो पे जब ये चार तरह के एंजाइम्स ने काम किया तो पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेक डाउन हो गए ओलिगोपेप्टाइड्स में ओलिगोपेप्टाइड्स पे फिर से तीन तरह के एंजाइम्स काम करते हैं जैसे कि अमाइनोपेप्टाइडेज डाईपैप्टाइडेज एंड ट्राइपैप्टाइडेज और जब ओलिगोपेप्टाइडेज पे ये तीन एंजाइम ने काम किया तो हमारा अमाइनो एसिड बन गया जो कि सबसे छोटा यूनिट है प्रोटीन्स का और यही अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो दिस वाज अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ़ फ़ैट एंड प्रोटीन इससे पहले हम नॉर्मल uh, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं बीएमआर भी पढ़ चुके हैं एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ चुके हैं तो uh, इसके साथ में हमारा मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो जाता है कल से हमें डिफिकेशन स्टार्ट करना है बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको ये डाइग्राम दिस येलो वन ये आपको अपनी नोटबुक्स में ड्रा करना है एंड ये डाइग्राम आपको अपनी नोटबुक में ड्रा करना है तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो Thank you.